हेलो दोस्तों, आई होप सो आप सब अच्छे से होंगे। और भाई आज ब्लॉग नहीं है, आज है अपना इस 5 दिन की अर्निंग, पूरा खर्चा, मतलब कितनी अर्निंग हुई, कितना खर्चा आया, उस बारे में वीडियो है। सो आज ब्लॉग तो है नहीं क्योंकि कल संडे था, तो उसकी वजह से अपनी गाड़ी भरी नहीं, फिर मैं घर चला गया था, सो ब्लॉग शूट नहीं कर पाया। सो आज की अपनी मतलब वीडियो है वो 5 दिन में मतलब चित्तौड़ से और जयपुर तक का मतलब जो खर्चा है, कितनी बचत हुई है, कितनी अर्निंग हुई है, उसी बारे में है। सो मैं आपको बताऊंगा कितना क्या खर्चा हुआ, कितना पैसा बचा। सो जो भाई नया चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। सो मैं अभी आपको सारी डिटेल एक बार बताता हूँ किस तरीके से है, कितना खर्चा हुआ, कितना मतलब पैसा बचा है गाड़ी को, और ये अपना ट्रिप कितने दिन में लगा। सो पूरी डिटेल के साथ में आपको बताऊँगा, सो बने रहना मेरे साथ में। सो मैं अभी थोड़ा कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो आपको जल्दी बता दूँ जो भी है। सो दोस्तों, अपना मतलब चित्तौड़ से और जयपुर तक का जो खर्चा हुआ है, डीजल का, टोल का, रोटी खर्चा, यूरिया खर्चा, मतलब पूरा एवरी बॉडी जो भी खर्चा है, कितना भाड़ा बना था, सब मैंने लिखा हुआ है। सो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ वो चीज़। सो सबसे पहले अपना डीजल चित्तौड़ से भर के पालनपुर खाली करने का, पालनपुर से भर के वापस जयपुर आने तक का तकरीबन अपना डीजल आया 250 लीटर। सो भाई 250 लीटर गुजरात में रेट था 92.41 था, 92.41 रुपये के समथिंग का, उसकी मेरे पास में पर्ची भी है। सो तो 250 लीटर का भाई अपना हो गया 23,102 रुपये। सो भाई ये पर्ची है, ये रेट है 92.41 रुपये एचपी पेट्रोल पंप की है। सो भाई डीजल हो गया अपना 250 लीटर 23,102 रुपये का, और टोल टैक्स हुआ अपना 5,500 रुपये, मतलब 5,500 रुपये। उसके बाद में अपना यूरिया हो गया तकरीबन 1,500 रुपये का। सो भाई यूरिया खैर कुछ कम आएगा, लेकिन मैंने आइडिया से लगाया है, क्योंकि उससे पिछले चक्कर भी पालन डीसा से आलू भर के आए थे, तब भी नहीं टंकी पर फुल करवाई थी, तो वो टोटल लगा के मैंने बताया 1,500 रुपये। उसके बाद भाई अपना डाला, कमीशन जो भी लगता है ना, मुनसाना वगैरह, वो तकरीबन आता है अपना 2,500 रुपये, मतलब जयपुर का पालनपुर में खाली करने का, भरने का, और चित्तौड़गढ़ से भरने का गन्ना। सो उसका अपना 2,500 रुपये बनता है। और भाई ये ट्रिप लगा था मेरा मतलब 5 दिन में, 5वें दिन मैंने जयपुर गाड़ी खाली कर दी थी, पांचवे दिन खाली कर दी थी। तो 5 दिन का अपना रोटी खर्चा अपन लगाए तो 400 रुपये तो नॉर्मली हो ही जाता है, एक अकेला बंदा हो, दो बंदे हो तो 500 होता है, क्योंकि सब्जी तो सेम ही होती है, चाहे अकेला हो चाहे डबल हो, सब्जी तो वही बोलनी होती है। सो डबल होते हैं तो रोटी खर्चा बढ़ जाता है बस, कि कुछ नहीं है। सो अपना 2,500 रुपये के समथिंग रोटी खर्चा हुआ है। उसके बाद भाई अपना मतलब यही खर्चा है, और कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है, पुलिस का खर्चा अपना कुछ लगा नहीं, ना पुलिस का लगा ना एक्स्ट्रा कोई और खर्चा आया। सो यही खर्चा अपना, तो ये टोटल डीजल, टोल, डाला कमीशन, रोटी खर्चा, यूरिया खर्चा, ये टोटल होता है अपना 35,100 रुपये। और भाई अपना भाड़ा था चित्तौड़ से पालनपुर का 120 की रेट में 18 टन वजन था, तो उसका भाड़ा बन रहा है अपना 22,000।
और भाई पालनपुर से जयपुर का था अपना 195 की रेट में 19 टन वजन, तो इसका भाड़ा बनता था अपना 37,000। सो टोटल भाड़ा अपना बनाया 59,000, 59,000 टोटल भाड़ा बनाया, उसमें खर्चा हुआ है अपना 35,100 रुपये। सो 59 में से 35,000 कम करेंगे तो 24,000 के समथिंग अपने को बचता है। और भाई ये 5 दिन का है, 5 दिन में मतलब गाड़ी लोड करने से और यहाँ पे खाली करने तक का। अब उसके बाद में गाड़ी का 2 दिन ख़राब हो रहा है, शनिवार को भी खाली की मैंने, संडे को भी नहीं भर रही, आज मंडे को भर रही है। सो वो एक अलग बात है, लेकिन भरने से खाली करने तक का कितने दिन में ट्रिप लगा वो ही मायने करता है। सो अपना वो 5 दिन में लगा था, तो 5 दिन का मतलब 24,000 रुपया गाड़ी के पास में बचता है। अब इसमें से अगर तनख्वाह वगैरह लगाएं तो मेरी तनख्वाह है 5 दिन की कम से कम भी अगर 15,000 रुपये भी लगा के चले, मैं नेपाल को 15,000 रुपये तनख्वाह दे रहा था, तो पर डे का 500 रुपया उसका होता था, तो 5 दिन का कितना हो गया, 2,500 रुपये वो निकाले तो 19,500 रुपया गाड़ी के पास में बचता है। अगर नेपाल होता तो और थोड़ा रोटी खर्चा वगैरह और ज़्यादा होता, दो बंदों का खैर हो ही जाता है, एक तो अकेला ही चाय पीऊँगा, एक डबल बर आदमी चाय पियेंगे, तो वो भी होता है और वो चीज़ें भी बहुत मायने रखती हैं। तो अपना 24,000 की मतलब अर्निंग है 5 दिन की, जो कि कमेंट करके बताओ ठीक है कि नहीं है। सो अभी तो यहाँ से लोड करके वापस चित्तौड़ जाएंगे, वहाँ से फिर गन्ना भर के वापस। सो भाई काफ़ी भाइयों ने कमेंट किया था कि भाई सब्जी में चलो या और कहीं मतलब मंडी में चलो। सो भाई मैं सभी भाइयों को एक बात बताना चाहूँगा, मेरी सोच है, बाकी आप अपनी अपनी राय बताना। देखो अभी सूरत से भिंडी चल रही है, तो उसका भाड़ा है भाई 63,000 रुपये प्लस 8,000 इनाम, 63 और 8 कितना हो गया, 73,000 रुपये, 73। सो भाई 73,000 में अब भिंडी में चलो टाइम से गाड़ी छूट जाती है तो ठीक है, कहीं जाम ना लगा तो ठीक है, अगर जाम लग गया या वो मतलब लेट गाड़ी छूटी तो भाई गाड़ी भगानी पड़ती है पूरी 100। और भाई हमारे राजस्थान की मतलब इंस्टा अगर आप चलाते हो तो आप सबको पता होगा, गोपाल भाई है, उनकी गाड़ी नंबर है 1907, RJ06 में पासिंग है वो कल पलटी खाई थी। सो भाई इतना कमाया नहीं होगा वो उसने, गोपाल भाई ने, जितना नुकसान हो गया उसका। खैर शुक्र है कि किसी को लगी नहीं, लेकिन फिर भी भाई गाड़ी का अगर एक टायर भी नुकसान करता है ना तो तकलीफ होती है यार, तो इससे अच्छा है ना थोड़ा आराम से। हाँ अगर भाड़ा अच्छा हो, ये भाड़ा 80-90 हज़ार रुपये के समथिंग हो, तब तो आदमी रिस्क भी ले, और कुछ बचता नहीं है इतना। इनकमिंग वॉइस कॉल। सो भाई सब्जी में चलने से कोई मतलब नहीं है अभी, क्योंकि अगर भाड़ा सही मिले ना, इधर से भी भाड़ा होना चाहिए बराबर, उधर से भी बराबर होना चाहिए, तब तो गाड़ी 2 पैसे ठीक छोड़ती है। बाकी अगर एक साइड से सब्जी में चलेंगे ना तो गाड़ी के खाली टायर घसने का काम है, बाकी कुछ भी नहीं है। अभी आप मेरा ये 5 दिन की अगर आप बचत देखो, तो ये देख के फिर कमेंट करके बताओ कि ये सही है या वो सही है, तो कमेंट करके बताना कि कच्चे माल पे चलना सही है या गाड़ी को पैसे के हिसाब से चलाना सही है। तो आप सभी भाई, जितने भी भाइयों को नॉलेज है वो कमेंट करके बताना। और भाई इसमें मेरी गाड़ी चली है कितना, 550 और 300, 850 किलोमीटर। अब ये 24,000 जो मेरे को बचा है ना, इसमें 850 किलोमीटर गाड़ी चली है, मतलब अप डाउन 850, सॉरी अप डाउन नहीं, एक साइड 850 किलोमीटर चली है। तो ये कमेंट करके बताना। और अभी मैं जो यहाँ जयपुर से चित्तौड़ का 200 किलोमीटर का सफ़र है, 200-250 होगा, 250 किलोमीटर का और 10,000 का माल डाल के लेके जाऊँगा। सो
ये तो खर्चा खर्चा निकलेगा, चलो 250 किलोमीटर का 10,000 में खर्चा निकल जाएगा, लेकिन अपना दिन भी बच जाएगा, गाड़ी टाइम पे भी पहुंच जाएगी और वहां से भर भी जाएगी। तो अब कमेंट करके बताना आप भाई लोग कि ये मैं जो चल रहा हूँ इस हिसाब से सही है या गलत है, बाकी आप थोड़ा कमेंट करके बताना। मेरी राय तो ये है कि भाई जहाँ पे गाड़ी सेफ है, टायर सेफ है, मतलब बंदा खुद सेफ है, वहाँ पे सब कुछ है, बाकी कोई मतलब साइंस नहीं है कच्चे माल पे चलने से। मैं मेरी पर्सनल सोच है, बाकी सबकी अपनी अपनी राय है, क्योंकि अगर सब्जी में चलेंगे तो गाड़ी के मतलब सो भगाएंगे तो गाड़ी के ब्रेक भी ज़्यादा आएंगे, टायर भी ज़्यादा खाएगी, और गाड़ी भाई साहब अगर दो पैसे ना छोड़े, मतलब खर्चा खर्चा निकाल के अगर दो पैसे ना बचे तो मतलब क्या है फिर भाई। सब्जी में आपको पता है रिस्क कितनी होती है, अभी वो आप सब जानते हो कि इंस्टा पे अगर आप लोग हो तो गोपाल की गाड़ी का देखना, मतलब वो गाड़ी मतलब ओवरटेक करने में पलटी खा गई है। सो अब उसको उठाने में, वहाँ से माल क्रॉसिंग करने, मतलब उसका 2-3 की कमाई तो ये एक मतलब झटका उस आदमी को मार के चला है। तो इससे अच्छा ना यार 2 पैसे कम कमा लो, सावधानी से चलो, अपनी सेफ्टी से चलो। सो आपको मैंने जो भी खर्चा था बताया। तो जो भी खर्चा था अपना, 5 दिन की अर्निंग थी, इतनी बचत थी, उसके बारे में आपको बताया। तो कमेंट करके बताना कैसा क्या है, अब मेरा मतलब चलना सही है या नहीं है, आप अपनी राय ज़रूर देना। और भाई कच्चे माल की भी मैंने आपको सिचुएशन बता दी, क्या भाड़ा है, कितना क्या प्रॉफिट है। सो उसमें भी अब देख लो, मैं पालनपुर से मतलब सूरत पड़ता है तकरीबन 300 किलोमीटर के समथिंग, मतलब अप डाउन 600-700 किलोमीटर हो गया, तो मैं 600-700 किलोमीटर कम जा रहा हूँ, और उसके लगभग बराबर ही पैसे अगर यहाँ पे कमा रहा हूँ, तो मेरा चलना सही है या कच्चे माल पे चलना सही है, इसमें ना एक पॉइंट भी रिस्क नहीं है, मतलब रिस्क वैसे ड्राइवरों को आपको पता ही है कि। सो सभी भाइयों को कैसा लगा ये खर्चे वाला, सो कमेंट करके बताना। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक शेयर करना। सो मिलते हैं अपने बार अगले व्लॉग में। सो हर शाम 7 बजे व्लॉग आएगा अपना, तो सभी भाइयों से निवेदन है कि ज़रूर जाके देखें। तो कमेंट करके बताना कैसा लगा ये खर्चे का जो भी मतलब, और कमेंट में ये भी बताना है कि कच्चे माल पे ज़्यादा चलना सही है या सूखे माल पे चलना सही है, मतलब पैसे गाड़ी के हिसाब से अगर पैसा मिल रहा है तो फिर सूखा सही है या कच्चा सही है, दोनों के बारे में अपनी अपनी राय ज़रूर देना। तो मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखें।